जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम जिला पार्षद वार्ड नंबर 2 के गांव बडेड़ी में मौजूद है, जहां पर लोगों से रूबरू होते हुए और वोटों की अपील को लेकर के इस समय गांव बडेड़ी में ग्रामीणों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों ने सहयोग और समर्थन का विश्वास दिया है और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए कर आज रणनीति तय की गई है और गाँव वाले इस समय MS निर्मल को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। गांव बडेड़ी में 36 बिरादरी के लोगों के साथ यहां पर एक मीटिंग की गई, जिसमें लोगों ने इस समय समर्थन और विश्वास देते हुए नजर आ रहे हैं। आने वाली 9 नवंबर को जिला पार्षद वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी सरला देवी फाजिलपुर के पति इस समय लोगों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके पक्ष में वोटों की अपील को लेकर के गांव बडेड़ी के लोग इस समय मौजूद हैं और उनको सुनते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके के कार्य किए जाएंगे वो इस समय बताते हुए नजर आ रहे हैं और लोग जो हैं अपने समर्थन और सहयोग देते हुए नजर आ रहे हैं। गाँव वालों का साफ तौर पर कहना है कि साफ छवि के इंसान है और इसी साफ छवि को देखते हुए वो उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, जिसको लेकर के गांव बडेड़ी में समय आप देख सकते हैं गांव के लोग मौजूद हैं और उनको सुनते हुए नजर आ रहे हैं और समर्थन और सहयोग जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। गांव वाले इस समय यहां पर पहुंचे हुए हैं और उनका स्वागत किया गया और गांव वालों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ बताना चाहेंगे जो प्रत्याशी पहुंचे हैं उनको लेकर के। आइए सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ बताएंगे इस बारे में। आज ये बडेड़ी गांव में लोगों ने मुझे बुलाया था और अचानक ही ये प्रोग्राम था, कोई पहले से तयशुदा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन लोगों की जो अचानक संख्या वहाँ पहुँची उसे देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ। लोगों ने मुझे भरोसा दिलाया कि आने वाली 9 तारीख को जितने भी क्षेत्र के लोग हैं वो सभी जो जिला परिषद वार्ड नंबर 2 है उसकी प्रत्याशी सरला देवी फाजिलपुर पत्नी मेहर सिंह निर्मल नंबरदार एवं पत्रकार उनके समर्थन में वोट करेंगे। लोगों ने यह भी भरोसा दिलाया कि जो आदमी समाज के हित में काम कर रहा है, समाज के सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर के लोगों ने यह भी भरोसा दिलाया है कि जो व्यक्ति 36 वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चल रहा है, सभी वर्ग के लोगों के भले के लिए काम कर रहा है और लंबे समय से समाज सेवा में कार्य रहता है, ऐसे लोगों को वह बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहते हैं। लोगों ने यह भी अपनी तरफ से जो उन्होंने निर्णय किया हुआ था वो उसका भरोसा यह भी दिलवाया है कि वह न केवल अपने गांव के लिए अपने गांव के लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, फिर आसपास के लोगों को, वार्ड के लोगों को और दूसरे जो गांव के लोग हैं उनको भी वो अपने साथ लेकर के सरला देवी फाजिलपुर को विजय बनाएंगे। मुझे लोगों के इस भरोसे और विश्वास पर पूरा यकीन है और मैं इन लोगों को विशेष तौर पर जितने भी मेरे समर्थन में लोग खड़े हैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूं, भाई उनकी इज्जत मान और शान को मैं कभी ना झुकने दूंगा ना कम होने दूंगा और उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करूंगा। इसी के साथ एक चीज़ और भी मैंने अपनी तरफ से और अपने समर्थकों की तरफ से लोगों को विश्वास दिलाया है कि लोगों के बीच हम पहले भी रहे थे, लोगों के बीच आगे भी रहेंगे, लोगों का सम्मान बढ़ाएंगे, लोगों के काम कराएंगे और ये काम कराने का सिलसिला लोगों की वोट की शक्ति के रूप में और भी मिलेगा, क्योंकि 2 शक्तियां हमें मिल जाएंगी और ये शक्ति जो लोग देना चाहते हैं वोट की, जिला पार्षद के प्रत्याशी के रूप में जिस तरह मैदान में आए हैं, एक उनको एक पार्षद बनाने का जो संकल्प लोगों ने लिया है इस संकल्प की पूर्ति होती नजर आ रही है, क्योंकि लोगों में जोश है, लोगों में उमंग है, लोगों में उत्साह है और लोग किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने जो हमें यहाँ यकीन दिलवाया है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, वो यदि किसी के साथ चले जाएंगे साथ जाने से वोट नहीं चली जाएगी, वो किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है, जो उनके हितों के लिए काम कर रहा, जो दुख सुख में उनके साथ खड़ा है वो उसके साथ खड़े होंगे और ये जो इस तरह की भावना लोगों ने जताई है दर्शाई है उससे हमारा उत्साह और भी बढ़ गया, हमारे समर्थकों का उत्साह और भी बढ़ गया और आने वाली 9 तारीख को जो प्रत्याशी है सरला देवी फाजिलपुर उसकी विजय होनी लोगों के भरोसे और उम्मीद के अनुसार तय लग रही है, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा मुझे भरोसा है। मैं इन शब्दों के साथ सभी वार्ड नंबर 2 के वोटरों का और अपने समर्थकों का आभार भी जताना चाहता हूँ कि जहाँ मैं जाता हूँ मेरे समर्थक जाते हैं
उनका भरपूर स्वागत हो रहा है, उनका भरपूर अभिनंदन हो रहा है और जगह जगह उनको उनका पूरा उनको वोट देने का भरोसा दिलाया जा रहा है और उनके साथ रहने का भरोसा दिलाया जा रहा है। धन्यवाद, जय हिंद, शुक्रिया। आज हमारे बीच में निर्मल जी जो पत्रकार आया यहाँ पे गांव बडेड़ी में पहुँचे हैं और मैं अपनी तरफ से और अपने सभी गाँव वालों की तरफ से निर्मल जी का और उनके साथ आए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और निर्मल जी काफ़ी सालों से जो है पत्रकारिता के रूप में सबकी सेवा कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति इनसे अनजान नहीं है, सभी इनको जानते हैं। तो मैं सभी से वार्डवासियों से सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिता कर भेजें, यही सबकी कामयाबी होगी, हल्के का विकास होगा। इनसे कोई भी प्राय नहीं है, सभी को जानते हैं और अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो आज बडेड़ी गांव में आए हुए हैं तो दोबारा से इनका मैं यहाँ पर पहुँचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मेयर सिंह निर्मल जी यहाँ बडेड़ी गांव में, उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। ये पहले भी यहाँ डोर टू डोर करके गए हैं और इस हल्के में लगभग पत्रकारिता के कारण इनको सभी लोग जानते हैं और इसलिए सारे 36 बिरादरी का साथ इनको मिल रहा है। ये नहीं है कि ये जिस बिरादरी से हैं उसी बिरादरी का इनको साथ मिल रहा है, इनको 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है। तो मेरे को लगता है इनके मुकाबले में कोई है नहीं, क्योंकि इनको 36 बिरादरी का पूरा सहयोग है। जो और जो इनके मुकाबले में खड़े हैं वो बंदे, मतलब या तो उनसे बाद में, ये बहुत पहले से इस हल्के में लगे हुए थे जिला परिषद के लिए। तो हम इनकी कामयाबी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज निर्मल सिंह जी हमारे गाँव में पधारे हैं, उनके हमारे गाँव में पधारने का हम स्वागत करते हैं सभी ग्रामवासी, और सभी ग्रामवासियों से एक अपील करते हैं कि निर्मल जी को भारी बहुमत से जिताएं। किस तरह का माहौल इनके प्रति बन रहा है लोगों में? बहुत बढ़िया अच्छा माहौल बना हुआ है। आज के टाइम में निर्मल जी का बड़ा अच्छा होल्ड है और लोगों से तारीफ भी सुनते हैं, जिनसे मिलते हैं बात करते हैं उनकी तारीफ करते हैं, और हम भी पर्सनली तौर पर काफ़ी टाइम से जानते हैं, एक अच्छे इंसान है। और सभी से यही अपील है कि भाई को बड़े अच्छे वोटों से जिता कर विजय बनाएं। निर्मल जी हमारे गाँव में आए हैं, बहुत अच्छे इंसान है और हमारा सबका सहयोग इनके साथ है। भारी मतों से इनको, बहुमतों से इनको विजय बनाएंगे। गांव में किस तरह का माहौल बनाएगा? बहुत बढ़िया माहौल है, हर बच्चे के जवान पर नाम है, यही माहौल होगा ना। सारे काम के साथ दे रहे और यहाँ से अच्छी जीत होगी।